उद्योग बाद में और लगने वाले हैं। कुल मिलाकर के जैसे मध्य प्रदेश में 283 औद्योगिक इकाइयों को 508 हेक्टर भूमि हमने आवंटित की है। उज्जैन में मार्च माह में रीजनल इंडस्ट्री कॉन्क्लेव में ऐतिहासिक आयोजन किया, जिसमें 12,000 करोड़ से अधिक के ठोस प्रस्ताव हमारे बात के बीच में आए और प्रदेश में 20,000 से ज्यादा लोगों को रोजगार मिलेगा, 1,00,000 करोड़ से अधिक के निवेश प्रस्ताव भी इसी दरमियान हमको मिले थे। कॉन्क्लेव में अन्य देशों के निवेशक भी आए, लगभग 4,000 प्रतिनिधि आए और ये सिलसिला हम लगातार जारी रखने वाले हैं। इसको रीजनल कॉन्क्लेव के माध्यम से हम देख रहे हैं कि जहां भी हमारे जबलपुर, ग्वालियर, रीवा, अलग अलग और इंडस्ट्रियल बेल्ट भी डेवलप होते जाए। अर्थव्यवस्था की दृष्टि से मध्य प्रदेश का अपना जीएसटी का कुल राजस्व 19,091 करोड़ रुपया प्राप्त हुआ, जो हमारे पिछले वर्ष से 26% ज्यादा। पिछले वर्ष जो जीएसटी कलेक्शन हुआ था उसमें 26% हमने ज्यादा कलेक्शन किया है और जैसा कि आप जानते हो कि बड़ी धनराशि मिलती तो बड़े पैमाने पर उसके भविष्य में लाभ उठाए जाते हैं। कृषि के संबंध में 2024-25 में 6,00,000 से अधिक किसानों का 48,00,000 मैट्रिक टन से अधिक की गेहूं खरीदी हमने कर ली, लेकिन इस बार चूंकि रेट ही बहुत अच्छे हैं तो ये खरीदी वाला पार्ट हमारा, हम भी ये चाहते हैं कि अगर किसानों को अच्छे रेट मिल रहे हैं तो वो अपना स्वयं का भी माल बेच लें, अगर कोई भी कारण से उनको कठिनाई आती तो सरकार ने इसको लगातार बढ़ाते बढ़ाते जून के महीने तक हम खरीदी कर रहे हैं। आमतौर पर मार्च में भी हमने 10 मार्च के आसपास खरीदी प्रारंभ कर दी थी, इतनी लंबी खरीदी कभी नहीं चली और एक तरह से वो रेट को नीचे न गिरने देने का हमारा जो संकल्प है कि हम इस रेट से नीचे किसी हालत में भाव नहीं जाने देंगे। और लगभग 2400 रुपये क्विंटल गेहूँ हमने खरीदा, उसमें 125 रुपये का बोनस हमारी सरकार के द्वारा दिया गया। जैसा हमने कहा था कि कोई योजना बंद नहीं होगी और सभी योजनाओं को समान रूप से सरकार चालू रखेगी। लाडली बहना योजना के बारे में भी हमने वही जो दिया गया वचन निभाया है, लगातार हमारी 1,29,00,000 बहनों के खाते में अभी तक 9,455 करोड़ रुपए की राशि का अंतरण हमारे द्वारा कर दिया गया है। इसी प्रकार से लाडली लक्ष्मी योजना में 6 माह में 73,880 लाडली बहनों के खाते में बालिकाओं के 34 करोड़ की राशि अंतरित की गई। रसोई गैस सिलेंडर के लिए 45,90,000 बहनों के खाते में 118 करोड़ की राशि का अंतरण किया है। आपकी जानकारी के लिए कि बहनों को जो हमने कहा था 450 रुपये में गैस सिलेंडर देंगे गरीब बहनों को, तो वो हम बराबर दे रहे हैं। चुनाव में बहुत झूठ बोला गया कि ये नहीं दे रहे हैं, हमने उनको चुनौती दी थी कि बताए ये पैसे जा रहे हैं कि नहीं जा रहे हैं, और ये मैंने बताया आपको कि 118 करोड़ रुपया उनके खातों में गया और छोटी मोटी संख्या नहीं है, 45,90,000 लाडली बहने हैं जिनके खाते में ये रसोई गैस का सिलेंडर का पैसा गया है। शिक्षा के मामले में जैसे हमारी सरकार ने जीईआर में देश के औसत से भी आगे अपना स्थान बनाया।